अंडरग्राउंड क्लिफ सीक्रेट हाउस। एक गांव में चंदूलाल नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। उसके पास मॉल्स, पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल्स ऐसे कई प्रकार के व्यापार थे। वो ऐसे गैर कानूनी तरीकों से करोड़ों रुपए का काला धन कमाया। उस काले धन से अपने घर के नीचे एक अंडरग्राउंड मनी हाउस को बनवाया। किचन में फ्रिज को हटाता तो वहाँ दीवार पर उसके अंदर जाने का रास्ता बनाया हुआ था। वो हर दिन जाकर सोफा पर बैठकर टीवी देखता था, टेबल पर शराब रखकर उसे पीता था, बिस्तर पर सो जाता और पैसों को छूकर खुश हो जाता था। उसी गांव में कबीर सिंह नाम का एक आदमी था। उसे साहसिक चीजें करना बहुत पसंद थी। हमेशा पहाड़ चढ़ता रहता था। गांव वाले उसे पैसे देते थे। ले कबीर, कभी ना कभी तुम हिमालय पर चढ़कर हमारे गांव का नाम रोशन करना रे। तुम्हारे साधन के लिए जितना भी खर्च हो चलेगा, वो सब हम देख लेंगे, लेकिन तुम अपने लक्ष्य को कभी भूलना मत रे। रे कबीर, कल तुम बड़ा नाम कमा लिए तो हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? मैं बस यूं ही मजाक कर रहा था रे। मजाक में भी ऐसी बातें मत बोलिए चाचा। मैं एक अनाथ होने के बावजूद आप सबने मुझे अपना समझकर बड़ा किए। आपको और हमारे गांव को मैं कैसे भूलूंगा? बताइए, मैं जरूर एवरेस्ट पर कदम रखकर हमारे गांव का नाम वहां लिखूंगा। अब से मैं अपना अभ्यास और ज्यादा करूंगा। मुझे सब आशीर्वाद दीजिए। कहकर हाथ जोड़े तो सब ने उसे आशीर्वाद दिया। इस तरह वो उस गांव के पहाड़ पर चढ़ने लगा। जब वो यूं पहाड़ चढ़ने लगा तो उसे वहाँ एक बड़ा टनल नजर आया। उसमें से पानी गिर रहा था और बदबू आ रही थी। वो नाक बंद करके बिना रुके ऊपर चढ़ता गया। ऊपर चढ़ने के बाद उसने टाइम देखा और शिट, 15 मिनट लगे। ऐसे ही चला तो मुश्किल है, और कम समय के अंदर चढ़ने की प्रैक्टिस करनी होगी, वरना एवरेस्ट चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। यूं सोचा। ऐसे हर दिन वो पहाड़ चढ़ना, रास्ते पर वो टनल देखकर ऊपर चढ़ने लगा। एक दिन चंदूलाल जब तक घर पहुंचा, वो देखा कि उसकी पत्नी कुछ स्वामी जी को खाना खिला रही थी। वो गुस्से से जाकर जो वो खा रहे थे उसे फेंक दिया। ए, कितनी बार बोलो तुम्हें, ऐसे बेकार लोगों को घर मत बुलाओ। चिकनी चुपनी बातें करके लोगों को धोखा देने वाले ये लोगों को इतनी इज्जत है? चुपचाप निकलो यहाँ से। बेटा, हम किसी से चिकनी चुपनी बातें नहीं करते, वो हमें जरूरत भी नहीं है। हमारे जैसे व्यापारी ही ऐसा काम करते हैं। जरा अपने गुस्से को कम करो बेटा, ये गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मन शांति ना हो तो ये पैसे, इतनी जायदाद, ये सब रखकर क्या फायदा, बताओ। चंदूलाल गुस्से से हाथ उठाकर, अरे हम धोखा देते हैं तो क्या, उसे ही व्यापार कहते हैं, उसे ही व्यापार कहते हैं। ये घर जायदाद सब ऐसे ही आए हैं, और नहीं तो क्या, मैं और भी कमाऊंगा, मुझे उसी में मन शांति मिलती है रे। तब वो स्वामी जी जोर से हंसने लगे। क्या रे, ऐसे हंस रहे हो? पागल दवाखाना में भर्ती कराना है क्या? तुम्हारी पूरी जायदाद तुम्हारे हाथ से जाने वाला दिन बहुत करीब है बेटा, तब पागल खाने में तुम भर्ती होगे। ओम तत्सत। कहकर चले गए। जाओ रे जाओ कमीने, मेरी जायदाद कैसे जाएगी रे, सिल्ली फैलाओ। अगले दिन फिर से वो पहाड़ चढ़ रहे कबीर सिंह को वो टनल दिखाई दिया। ये आखिर है क्या, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ऊपर तो कोई घर भी नहीं है, ये क्या है, देखना चाहिए। कहकर उसके अंदर गया। वो फिर घुटनों के बल रेंगते हुए अंदर गया। फिर उसे वहाँ अंडरग्राउंड मनी हाउस दिखाई दिया। ओहो, यानी ये पाइप इससे आया होगा। ये सारे पैसे किसके होंगे, ये बात पुलिस वालों को बताना चाहिए। यूं सोचा। फिर वो तुरंत पुलिस वालों को फोन मिलाकर पूरी बात बताया। पुलिस वाले पहाड़ चढ़कर टनल के द्वारा अंदर आए। वो मनी हाउस देखकर सब दंग रह गए। फिर वो सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर आए और वहां मौजूद द्वार से अंदर आए। उन्हें देखकर चंदूलाल दंग रह गया। चंदूलाल को पुलिस वाले अरेस्ट करके ले गए। इस तरह चंदूलाल अपनी पूरी जायदाद को खोकर जेल में डाल दिया गया।